ଆଜି ଦେନିକିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ସାତମାଇଲି ନିକଟରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମାବେଶରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନବୀନ। ସମାବେଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। हिंदोल निर्वाचन मंडल समस्त लोक मैंने स्वागत जनवाई बहुत व्यग्र अच्छा आम बहुत खुशी रही चु आम अंचल मान्यवर मुख्यमंत्री जो कालिया समावेश कर लोक मान्यवर मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद दौरान जेहतु यहाँ सरकारी कार्यक्रम रही है तथा आम लोक मैंने समस्ते सहयोग कर कार्यक्रम सुंदर हम। प्रश्नपत्र वायरल को नहीं आक्शन मोड्रे माध्यमिक शिक्षा परिषद घटन एपर्यंत 11 जन को निलंबित कर 8 जनों विरोध में एतला दायर होता बेले 5 जनों गिरफ्त कर ढेंकानाल नुआपड़ा कोरापुट और जगत सिंहपुर जिलार विभिन्न विद्यालय में परीक्षा ड्यूटी थे। आगक गिरफ्तारी संख्या बढ़िपे सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते बोर्ड कर्तृपक्ष केवल से नुहे प्रश्नपत्र वायरल में संपुक्त 4 जन परीक्षार्थी आगक आउ मैट्रिक परीक्षा देपारे ना से प्रश्नपत्र हाई सिक्यूरीटी फिचर लग जा मोबाइल रे फोटो उठाइले संगे संगे धरा पड़ बोली बोर्ड पक्षर कोमवार नियम को आहरी अधिक कड़ाकड़ी मोबाइल फोन व्यवहार को नहीं रही नियमर खिलाफ कले दृढ़ दृढ़ कार्यानुष्ठान परीक्षा केन्द्र बाहर अजथा भिड़ जमुले कि केन्द्र भितरक धसे पशा उद्यम होते से 144 धारा जारी करने को पुलिस को अनुरोध बोर्ड पक्षर क जो शिक्षक मानकर संपुक्ति थिला जो छात्र मानकर संपुक्ति रही से मानकु डिबार करा जाएछि एवं सोमवार जो परीक्षा रही किपरि श्रृंखलित भावे हम व्यवस्थित भावे हम से आमर केते गुड़ी आउ थरे प्रोटोकॉल को प्रवर्तन करा जाउछि। पिला माने संपुक्त थिले सेतरे जो पिला मानक पे ही जो वायरल हेछि जहाँ आम इनक्वायरी रु जना पड़िला से पिला मानक आम डिबार करुछु जन पिलांकु कोरापुट नुआपड़ा एवं ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट तेणुक सेलफोन इज कम्प्लीटली बैंड। राज्य विकास रे बाधक साजुछन्ति राज्य सरकार। सरकारंकर असहयोग एवं उदासीनता कारण राज्य में प्राय 1,36,417 कोटी टंकार केन्द्रीय प्रकल्प बाधाप्राप्त होता अभियोग आनी केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जार जवाब रखी बीजेडी। राज्य सरकार को धर्मेन्द्र टार्गेट भुवनेश्वर में जवाब मागे ओडिशा कार्यक्रम तथ्य रखी अभियोग पर अभियोग रखिंट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते राज्य सरकार असहयोग कारण ओडिशारे प्राय 1,36,417 कोटी टंकार केन्द्रीय प्रकल्प बाधाप्राप्त होते अच्छी पारादीप विशोधनागार संस्प्रसारण प्रकल्प एथपाई आवश्यक 2,290 एकर जमी जोगाई देना राज्य सरकार। भद्रक रे टेक्सटाइल पार्क पारादीप प्लास्टिक पार्क मेलामुंडुली 270 कोटी टंकार तैल डिप भी प्रकल्प आगे पारना। धर्मेन्द्र आहरी अभियोग करते जमी परिवेश और सीआरजेड मंजूरी देवे राज्य सरकार डेरी करिवारु बहु प्रतीक्षित कोस्टल हाइवे कम विलंबित होती। पीएम किसान योजना लागू करिवारे राज्य सरकार को असहयोग कथा उठाई धर्मेन्द्र लक्ष 36,417 कोटी टंकार काम जीए ए राज्य खर्च हेले रोजगार राजस्व स्थानीय अर्थनीति मजबूत हम राज्य सरकार बाधक होती विकास को बाट मरणा कर राज्य सरकार ये पूरी सातपड़ा अस्तरंग कोणार्क भितर कौन आपत्ति है आपत्ति यही है कारण निर्दिष्ट जड़े दुज नेता से अंचल किसी शासक दल प्रमुख लोक मैंने जमी कुआ कि अंचल लोक आलोचना कर पारादीप पाखे 15 किलोमीटर गले आपत्ति ना बालेश्वर भद्रक जिले में 5-6 किलोमीटर गले आपत्ति ना आमर एट भी पाक नवर कौन सी आपत्ति ना अच्छा या बाहाना करके आपण कोस्टल मैनेजमेंट जोन एनओसी दबार आपर कौन आपत्ति अच्छे आप टमाटर किनी पारु नहांती दूध किनी पारु नहांती डेरासरे पैसा देलापर फार्म भी करी पारु नहांती आपणकर कौन माने पारिवा पणिया अच्छे आपण शीघ्रातिशीघ्र ओडिया चाषी मानकु
किसान योजना लाभ पहुंचेबार सहयोगी हों। धर्मेन्द्र को सबु अभियोगर कड़ा जवाब रखी बिजेडी। दलय मुखपात्र संजय दास शर्मा कहते ओडिशा पूर्व भारत सर्वाधिक विकसित राज्य, किंतु केन्द्रमंत्री निजर दायित्व निर्वाह नक एभली अभोग आ दुर्भाग्यजनक। स्वतंत्र राज्य पाया 36 लाख निजुक्ति, कोस्टाल हाइवे, शिल्प कॉरिडोर प्रतिष्ठा भली प्रतिश्रुति कहीं मोदी सरकार पालन करना संजय पलटा प्रश्न कर। केन्द्रमंत्री निजर दायित्व निर्वाह नक वर्तमान 2014 रे जो जो प्रतिश्रुति देते भारत बर्षर जनसाधारण को ओडिशार जनसाधारण को से प्रथमे जहाँ प्रतिश्रुति देते से प्रतिश्रुति की अनुपालन करने वर्तमान समय आसी जो डीपीआर करी केंद्र सरकार जातीय राजपथ कर्तृपक्ष जो डीपीआर प्रस्तुत करी से डीपीआर टी कार्यकारी करदे से तो कौन प्रतबंधक ना जी संविधान मुख्य से जदि कह जे जोठी बीजेपी नहीं सेठी विकास नहीं तांकोटो अधिक कथा कौन आशा करिबा। आरंभरु राज्य अतिथि भवन में रेलवे एमसीएल पेट्रोलियम गेल अधिकारी आलोचना करथिले धर्मेन्द्र, किंतु आलोचना को आसी नथिले मुख्य शासन सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी। विधिवत आमंत्रण सत्वे मुख्य शासन सचिव न आसवरु असंतोष जाहिर करिसेंते धर्मेन्द्र। भुवनेश्वर कैमरामैन चित्तन स्वाई अजेश मल्लिक और मनोज जेना, न्यूज 18 ओडिया। धर्मेन्द्र प्रश्नबाण पर बीजेडी करी जोरदार काउंटर 20 प्रसंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को प्रश्न पचारी शासक दल। प्रेसमिट कर बीजेडी आईटीएसएल मुख्य अमर पट्टनायक अभियोग कर उज्ज्वला एक विफल योजना 80% लोक रिफिलिंग करना 2014 तुलन में अशोधित तैल दर अधा है, पेट्रोल दर कहीं अधा होजेपी प्रचार में तैल कंपानी अर्थ लगुवर तेल दर कमुनी अभियोग कर बीजेडी। सेपरी रेलबाई ओडिशा रु पाउची 20,000 कोटी किंतु देउची 2,000 कोटी एते राजस्व देबा परे भी ओडिशा रे प्रकल्प अधा पांतरिया काहिकि पारादीप आईओसीएल रे केते ओडिया नियुक्ति पाइछन्ते देढ़ गुण एमएसपी रो प्रतिश्रुति कुआडे गला ओडिशा को स्वतंत्र पाहिया प्रतिश्रुति कुआडे गला बोली प्रश्न करिछन्ति अमर। बीजेडी रे सबु अभिजोग रो जवाब रखिछि बीजेपी। आसी समय समय आसी आमर आंसर मागे आम जवाब मगुचु आपण मैंने उत्तर दिंतु बीजेपी केन्द्र सरकार को आम उत्तर आम क्वेश्चन आम जवाब मगुचु से आमको उत्तर दिंतु ये जो कतोटी क्वेश्चन कह आम असहायता को बुझिपु राजनैतिक बाध्यबाधकता थे किंतु राज्यवासी ये उत्तर चाहिए आगामी दिन निर्वाचन रे विकास ही प्रश्न हम राज्य सरकार विकास रा बाधक साजुचंती ये ओडिशावासी जानी सारे सारा ओडिशा लोके एबे विजु जनता दल सरकार किपरी भाव रे विकास विरोधी एहा बुझी सारे। जटणी छणघर में बीजेपी जनपरामर्श पदयात्रा और जवाब मांगुछि ओडिशा कार्यक्रम अनुष्ठित बीजेपी नेत्री अपराजिता षडंगी बीजेपी युव मोर्चार साधारण संपादक विश्वरंजन बड़जेना प्रमुख गोपीनाथपुर ओगरसुआ और गोविंदपुर में घर को घर बुली लोकों समस्या संपर्क में आलोचना करते सरकारी योजना लोकों पाखे पहुंच पानी जल सबुठ बड़ समस्या बोली लोक आगामी दिन में जटणी में परिवर्तन बीजेपी विभिन्न अंचल रे आमे बुलुचु भारतीय जनता पार्टी रो समस्त कर्मी माने आमे घर घर को जाऊ लोकंकर समस्या बुझिबा पई चेष्टा करूचु जहां को पाखु केही जानती ने सेठी के आमे जिबा को आरंभ करिचु आउ एटा हेगलानी पाखा पाखी 75 गाँव 62 दिन भितरे बुलीचु आउ ता छोड़ा 30 वार्ड खुर्दा टाउन रो जटनी टाउन रो आ भुवनेश्वर महानगर निगम रो बुलीचु आउ सबु जगार बहुत लोक माने उत्साहित तो होती बहुत समस्या अच्छी मानते लिंगराज संपत्ति को लेकिन रास्ता घाट नलकूप पोखरी बहुत समस्या ये अच्छी से लोक मैंने दाबी रखिले दीर्घ दिन धरी शासन में रही बीजेडी सरकार किसी कम कर उन्नतिमूलक कार्यक्रम करनी से पूरा आशापोष कले आम आपको निश्चिंत भाव आगामी दिन में निर्वाचित करादन दुख इटाभाटी काम करने को जा हैदराबाद फसी रही अनुगुल माटिया साही
ବରଡ଼ ସାହିର 25ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ। ସେଠାରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୌଶଳକ୍ରମେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମେ ସାର ଦେହପା ମୋର ସିରିୟସ୍ ହେବା ହେତୁ ପୁଇତାପାଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଇଲି। ପୁଇତାପାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଯେଉଁ ପଇଲି ସାର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ ଭାରି ପୁଇତାପାଲି ଯେଉଁ ସାରିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାର ବାଜିଲା ଟିକେ ଆରାମ ହେଲୁ। ମେଟ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସାର ମୋତେ କହିଲା କେତେ ତୁମ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର ଯାଇପାରିବି। ହେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସେଇ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ସାର ପଳାଇଲି ଘରକୁ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ ସେ 15ଟି ପରିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମେ କାଲି ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗଟି ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇଲୁ, ଆଜି ବି ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ସେଇଟା ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣିତ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମ ନିରୀକ୍ଷକ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଲେବର କମିଶନଙ୍କୁ ଲେଖିବୁ, ସେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ନୟାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସହର ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ପୌରପାଳିକା ସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 13ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୌରପାଳିକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 21କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଳାକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଏବଂ ଲିଗାଲ ସେଲ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂହ, ବିଧାୟକ ମହେଶ ସାହୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଉପସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ବଳରାମ ଗୋଛାୟତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ଗୋଛାୟତଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଶାସନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗରିବ ନିଃସହାୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆଇନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଫଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା, ଫିଟନେସ୍ ଓ ଭାଗ୍ୟର ଟିକେ ସମର୍ଥନ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହେବାରେ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର, ଟିକିଏ ଲମ୍ବା, ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ସର୍ଟକଟ୍ ଆପଣେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥବଳ, ସୁପାରିଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡରେ ସେଟିଂ ଥିଲେ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇବି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ କିଣାଯାଇପାରିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18ର ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ବୋର୍ଡ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ମୈଦାନରେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଆଉ ମୈଦାନ ବାହାରେ ଖେଳ ଭାବନାର ପରିହାସ, ବହୁତ କିଛି ଦେଖିସାରିଛୁ ଆମେ। କ୍ରିକେଟରେ ହାର ଜିତକୁ ନେଇ କାରବାର, ଉଡୁଥିବା ଷ୍ଟମ୍ପ ଓ ବେଲ୍ର ବେପାର, ୱାଇଡ୍ ଓ ନୋ ବଲ୍ ବିକ୍ରି, ଅମ୍ପେୟାରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର କାରବାର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଦେଖିବେ। ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡରେ ଆଜି ବହୁତ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯିବେ, ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି କେବଳ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କ୍ରିକେଟକୁ କେମିତି କଳଙ୍କିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍।
ରାଜ୍ୟର ସିଲେକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଓ ଅମ୍ପେୟାର ଆମ ଅଣ୍ଡର କଭର ଟିମ୍ ସହ ଡିଲ୍ କରିବେ। କିଏ ଟଙ୍କା ମାଗିବ, କିଏ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ମାଗିବ, କିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ର ଆଶା ରଖିବ, ଆଉ ଏହା ବଦଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେବଳ ଅଣ୍ଡର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନୁହେଁ, ରଣଜୀ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫି ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦିଆଯିବ। ଆମ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନରେ ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିହାର କ୍ରିକେଟର ସଂଘରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ବଳରେ ଯେକୌଣସି ବାହାର ଖେଳାଳିକୁ ବିହାର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି କିମ୍ବା ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଖେଳାଳି ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ବିହାର କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିରଜ କୁମାର କିଛି ଔପଚାରିକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। क्या क्या करना पड़ेगा उसको? यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, किसी की यहीं से डिस्ट्रिक्ट खिलवाना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट खिलाना, मतलब कैंप लगेगा उसमें, उसमें नाम डालना होगा। ठीक है, ठीक है, नाम डालने के बाद वो पूरा अपना उसका बायोग्राफी बनेगा, जिस दिन सिलेक्शन कमेटी बैठेगी। ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ ବୋର୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟର ନିରଜ କୁମାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବାହାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିସିସିଆଇର ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ବିହାର କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ସଚିବ ରବିଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ। ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ये 35 रविशंकर जी का, वो उनको दे देने से हमारा सारा काम खत्म। अच्छा, 35 रविशंकर जी को। खेल नारे गोलक धंधा चलाइथिबा ए अधिकारी केवल टंका रे संतुष्ट नथिले, से दिल्ली एनसीआर रे निजो पई फ्लैट मध्य दाबी करथिले। कितने बेडरूम की रिक्वायरमेंट है आपके? मेरा तो भाई 3 है, बस ग्रेटर नोएडा ही चाहिए। जो भी मिल जाए उसमें थोड़ी है, हमको तो जो मिल जाए उसमें ही। କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ବିହାରର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିହାର କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ ଅମ୍ପାୟାର ଡିପି ତ୍ରିପାଠୀ। आधार कार्ड यहाँ का होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ का होना चाहिए, वो सब यहाँ का होगा नहीं। बिहार भली पड़ोसी झारखंड रे भी लंबी छि दुर्नीतिर चेर। न्यूज 18 नो स्टिंग ऑपरेशन रे झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन नो सदस्य मोहम्मद वासिम को पर्दाफाश होइतिला, जे दाबी करथिले जे मात्र 35 रु 40 हजार रे जे कोनोसी साधारण खेळाळी को जिला स्तरीय टीम रे शामिल करि परिबे। हम क्या बोले कि आपको अगर अच्छा खेलना होगा, अच्छा होगा तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं होगा और आप चाहते हैं कि खिलाना, तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट में जहां सेट करना होगा तो डिस्ट्रिक्ट वाले कुछ पैसा लेते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या आपका मिनिमम क्या कहां से होगा, तो कहां देवर में क्या लेगा? हाँ वही से हम लोग ऐसे मान के चलिए, कितना लेता है ज्यादा होता है जो जहाँ टॉप लेवल जो स्टेट वाला में डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट स्टेट जो बता ସେହିଭଳି 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ବାହାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର 16 ଓ ଅଣ୍ଡର 19 ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ୱାସିମ। ଏପରିକି ସେ ଏମିତି କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଉଚିତ ଭାବି ନାହୁଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱର୍କ।
आज खेल भारत ऑस्ट्रेलिया टी ट्वेंटी सीरीज्र प्रथम मैच विशाखापाटन राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम रे मैच खेल प्रथम मैच रे विजय लक्ष्य नहीं मैदान को ओह्ल विराट बाहिनी से कंगारू टीम मध्यम पूर्व सीरीज्र प्रतिशोध नेवा लक्ष्य रे मैदान को ओह्ल निकटे ऑस्ट्रेलिया गस्तरे जाई टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को दिनिकिया सीरीज रे 2-1 रे परास्त करितिला मात्र सीमित ओवर सीरीज 1-1 रे बराबर रहितिला विश्वकप पूर्व टीम इंडिया पाखरे आ मात्र 7टी अंतर्जातीय मैच रहिछि ऑस्ट्रेलिया विपक्ष में दुईट टी ट्वेंटी पर पांचटिकिया दिनिकिया सीरीज खेल भारत एथिरे भल प्रदर्शन सह अनेक खिलाड़ी विश्वकप फाइनाल टीम रे ही निजर ना पक्का करने को प्रयास करेंगे। डरैलाणी ताति फेब्रुआरी में पारद छुईला 40 राजधानी भुवनेश्वर और मलकानगिरी राज्यर सबुठू उत्तप्त सहर पलटि उभय स्थान में तापमात्रा 29.2 रेकर्ड कर आज भी पाग अपरिवर्तित रहिबो राज्यर केतेक स्थान में कालबैशाखी होबार संभावना थिबा पाणिपाग विभाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। एडियाबेटिक वार्मिंग जो राज्य में तापमात्रा वृद्धि पाई फेब्रुआरी मास रे भुवनेश्वर में एभली ताति हेबा घटना गत 3 वर्ष रे प्रथम अभी लास्ट 24 आवर्स में आपका हाईएस्ट टेम्परेचर भुवनेश्वर एंड मलकानगिरी 39.2 रिकॉर्ड हुआ है और उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपका 4-5 डिग्रीज अबव नॉर्मल है और 48 आवर्स तक ऐसा हॉट वेदर कंडीशन सबका रहेगा। 48 आवर्स के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के वजह से आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। श्रीमंदिर संस्कार नहीं मानस मंथन पुरी रे माराथन आलोचना करिसंती आमिकस क्यूरी रंजित कुमार सेवा तो प्रतिनिधि छतिशा निजोग गजपति महाराज श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्यों सह एसपी एवं विभिन्न व्यक्तिशेष आलोचना करिसंती आमिकस क्यूरी कहिसंती संस्कार आसी आहुरी लोड़ा आहुरी भल करने को सेवायत और प्रशासन को दि जाइछि परामर्श सविशेष रिपोर्ट दाखल पर फेब्रुआरी 27 रे सुप्रीम कोर्ट मामलार शुणाणी करिवे। श्रीमंदिर वंशानुक्रमिक सेवा उच्छेद होगा अनुचित आमिकस क्यूरी रंजित कुमार पाखरे एनी बलिष्ठ जुक्ति बाढ़ सेवायत प्रतिनिधि वंशानुक्रमिक सेवा अधिकार सेवायतों कहीं छड़ाई नहीं पारे ना बोली छतिशा निजोग महानायक वंशानुक्रमिक सेवा उच्छेद श्रीमंदिर आईन में संशोधन अन्नदान आटिका बंद प्रस्ताव पर सेवायतों माराथन आलोचना करमिकस क्यूरी श्रीमंदिर संस्कार नहीं सुप्रीम कोर्ट को 12 सूत्री प्रस्ताव भितर एक तीनोटी प्रस्ताव को नहीं रही असहमति श्रीमंदिर पक्षर सुप्रीम कोर्ट में निजुक्त वकिल कहते श्रीमंदिर आईन संशोधन नहीं एक सब कमिटी गठन हो कमिटी विभिन्न प्रस्ताव पर तर्जमा कर आमिकस क्यूरी को रिपोर्ट देबे। मैंने मैनेजिंग कमिटी से विमर्श किया गजापति जी से विमर्श किया हमारे कलेक्टर साहब से हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महापात्रा साहब से हमारे एसपी साहब से और मैंने जितने निजोग थे उन सब के साथ मिलकर वार्तालाप करके उनके बात सुनी और सब चीज को मद्देनजर देखते हुए मैं रिपोर्ट दूंगा कि कैसे यहां पर और सुधार हो सकता है। 12 पॉइंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट दे थे ये हासिल दर्शन आपण जो डोनेशन आप दान दक्षिणा आप डायरेक्ट दे पारे हुंडी रही क्यू दर्शन लाइन रे आपण जाई दर्शन करिवे हमर कंसेंसस होउची जे समस्त राजी हिचंती तांको हेरिडिटरी राइट केही छोडैबे नाही वर्तमान से सेवक माने कर स्थिति कोन सेवक माने को अवस्था रे अछंती से बाबत रे भलकिरे अवगत नाहंती जहां मध्य हो सेवकंगर पेट पैटना को देखिकि सब किछि कले प्रभु जगन्नाथ ही दया करिवे। श्रीमंदिर व्यवस्था रो अनुध्यान करबा सह श्रीनगर रे गजपति को भेटी आलोचना करिसंती आमिकस क्यूरी गजपति कहिसंती धर्मीय संस्कार प्रशासनिक संस्कार और सेवायत संस्कार होइपारिले श्रीमंदिर संस्कार होइपारिबो सेवायत गजपति महाराजा परिचालना कमिटी सदस्य सहित एसपी छतिशा निजोग और विभिन्न व्यक्ति विशेष सहित आलोचना करिसंती आमिकस क्यूरी आमर हाईकोर्ट रे जो रथरे भक्त मानंकर चढ़िबार जो विवाद सृष्टि होता जो थे गुरु जगद्गुरु शंकराचार्य निर्णय थिला से हाईकोर्ट से निर्णय देखते सुप्रीम कोर्ट से विषय किसी कही ना श्रीमंदिर किसी परिवर्तन आने को हेले सबू जिनस को बुझी सुझी
आ ये महान परंपरा को भल कि जाणी जहाँ परिवर्तन हवा नित्यांत आवश्यक आशा तो करुँ मतामत सेवायत सपक्ष कहीं आज मैनेजिंग कमिटर जो आलोचन से पॉजिटिवली मेसेज दौरान तो आग को माननीय कोर्ट जहाँ करेंगे वंशानुक्रमिक सेवा उपर वन टाइप समस्ते एकमत जे ना वंशानुक्रमिक सेवा बिना सेवा पूजा रिचुअल्स डेली रिचुअल्स चली पार ना सेवायत पिलांकु संस्कार सेवा पूजा पई एक गुरुकुल करबा पई आमिकस क्यूरी निर्देश देछंती। पुरी रु कैमरामैन अमरेंद्र मिश्रंक सह अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया।